हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे अल्काइल और एराइल हाइड के सॉल्ट एमसीक्यूज। बच्चों, इन क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यह है कि इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन 10 एमसीक्यू से पूरे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के पीछे के चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पूरे के पूरे समझ आए, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, IUPAC नेमिंग हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, कुछ भी हो। अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, इन 10 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए हो और आप कोई भी एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन, अभी बच्चों ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब SN2 मैकेनिज्म के लिए इनमें से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अब हमें पता है बच्चों, जब भी इस तरह क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले उसके कंसेप्ट को हमें समझना जरूरी होता है। जब पहले उसके कंसेप्ट को हमें समझना जरूरी होता है, उसका कंसेप्ट पूछा क्या हुआ हमें, यहाँ पे कौन से कंसेप्ट की बात हुई है? तो हमारे से बात हुई है SN2 मैकेनिज्म की, हमारे साथ बात हो रही है SN2 मैकेनिज्म की, रिएक्शन के SN2 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि SN2 मैकेनिज्म में जो हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें SN2 मैकेनिज्म पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्या है SN2 मैकेनिज्म का, SN2 मैकेनिज्म में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि इसके जैसा या कोई और भी क्वेश्चन SN2 मैकेनिज्म से हमसे पूछा जाए तो हम उसको इजीली आंसर कर पाएं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो चलिए अब SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। हमें पता है अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होते हैं वो SN1 और SN2 दो मैकेनिज्म्स चलते हैं, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। जो SN2 मैकेनिज्म है, SN दोनों में कॉमन है, SN1 में भी और SN2 में भी। SN2 मैकेनिज्म में टू स्टैंड्स फॉर बायोमोलिक्यूलर। ठीक, हमें ये चीज पता है कि टू का मतलब होता है बायोमोलिक्यूलर और SN1 में 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर। इसका मतलब क्या है, अब समझिए इस चीज को, कि अल्काइल हैलाइड है, RX मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, R पे अटैक करना है और X ने निकलना है और मेरे पास R न्यू बनना है। सिंपल जो रिएक्शन बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया हैलाइड को, यही रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके दो मैकेनिज्म होते हैं SN1 और SN2। जब SN2 मैकेनिज्म होता है उसको हम बायोमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं, SN2 मैकेनिज्म 2 क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन चलता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे, दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे इसलिए बायोमोलिक्यूलर। पहला हैलाइड, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, इन दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। टू मतलब बायोमोलिक्यूलर, रेट ऑफ रिएक्शन बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमें हैलाइड दे रखी है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं, SN2 मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। मतलब क्या, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक भी करेगा और हैलाइड जो है रिमूव भी करेगी सिंगल स्टेप में। अटैक भी सिंगल स्टेप में होगा, एक साथ निकलेगा और एक साथ लगेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा भी साथ में और एक्स निकलेगी भी साथ में, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें बात, जो खास बात आती है कि कौन सी हैलाइड ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देती है SN2, कौन सी हैलाइड कम अच्छे से देती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो समझिए ज़रा एक बार बच्चों, वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। ये कार्बन है सपोज, ये मेरे पास हैलाइड लगी है। ठीक है, अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक करना है। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड 4, कार्बन के पास वैलेंसी 4, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, एक बना हैलाइड के साथ, तीन बॉन्ड और होंगे। अब जब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, अगर कोई छोटा ग्रुप लगा होगा, सपोज तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है। पर जैसे जैसे ये हाइड्रोजन की जगह ग्रुप बल्की होते जाएंगे, सपोज कार्बन लगता जाएगा, वैसे वैसे बल्की ग्रुप होते जाएंगे, तो जगह कम बचती जाएगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, जगह
कम बचती जाएगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी का जो अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होता है SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है अल्काइल हैलाइड में वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर पे, स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है अल्काइल हैलाइड की SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप लगा होगा, कार्बन जितने ज़्यादा लगे होंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना ही मुश्किल होगा, और जितने कम हाइड्रोजन छोटे मॉलिक्यूल लगे, छोटे एटम लगे, जैसे हाइड्रोजन लगा है कोई छोटा, कम बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो अटैक करना उतना ही ईजी। तो इससे हमें क्या समझ आया, कि जो तीनों ग्रुप अगर CH3 लगे हों, C के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हों, वो वाली हैलाइड सबसे इजीली ये रिएक्शन देगी, और उसके बाद क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करते जाऊं कार्बन से तो वैसे वैसे एक एक स्टेप पे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब क्या, अगर CH2 यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड जो लग जाएगी, अब CH3 यहाँ पे लगा हुआ CH3X है, अगर मैं इसको कार्बन को CH2 और एक कार्बन लगा दूं, ये मेरे पास क्या बन गई, प्राइमरी हैलाइड। तो उसके बाद रिएक्शन किसका आएगा, प्राइमरी हैलाइड का, हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हुई एक कार्बन से। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद कौन सी आई सेकेंडरी, अब एक और हाइड्रोजन रिमूव होके एक और कार्बन लगी और बल्कि ग्रुप बन गया, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या होती है, टर्शरी, क्योंकि तीनों के तीनों जो ग्रुप कार्बन हो जाएंगे तो ये हो जाएगी टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना ही मुश्किल होगा। यहां तक बात क्लियर? तो हमारा आंसर इसमें से क्या आएगा। अब मुझे सबसे CH3X मतलब मिथाइल हैलाइड हमें सबसे पहले ढूंढनी है। मिथाइल हैलाइड मेरे पास तीन जगह पे मिथाइल हैलाइड, उसके बाद कौन सी ढूंढनी है, प्राइमरी मुझे दिख रही है ये वाला कार्बन है, सिर्फ एक जगह पे बल्कि ग्रुप लगा है, बाकी दो जगह पे हाइड्रोजन लगी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, अब इस कार्बन पे दो जगह पे कार्बन लगी है, एक जगह पे हाइड्रोजन लगी है, और तीसरा कौन सा है, तीनों की तीनों जगह पे कार्बन लगी है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शरी हैलाइड। तो मेरा आंसर क्या आ गया बी। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इन सारी बातों में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो SN2 मैकेनिज्म हमें और ध्यान रखना है, ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि हमें क्या देना है, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। प्लस इसमें कुछ और क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है। इसमें अगर सपोज एक चीज हमें और ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी SN2 मैकेनिज्म होगा उसमें एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होती है। इससे हमारा मतलब क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से हमारा मतलब क्या है कि सपोज कोई अल्काइल हैलाइड है आर एक्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और अगर वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है, अगर SN2 मैकेनिज्म जा रहा है, ध्यान रखिएगा SN2 मैकेनिज्म में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई और RNU बना, मेरे पास प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से मतलब क्या है कि अगर ये हैलाइड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मतलब क्या हो गया, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या लीवर रोटेटरी। तो इससे इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर SN2 मैकेनिज्म से कोई ऐसी हैलाइड जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होती है। मतलब जो डेक्स्ट्रो हैलाइड होगी वो लीवो प्रोडक्ट देगी, लीवो प्रोडक्ट मतलब इन्वर्जन होगी, डेक्स्ट्रो से लीवो बनेगा। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होती है, मतलब हैलाइड की जो कॉन्फिग्रेशन है, चाहे वो डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो प्रोडक्ट देगी, अगर वो लीवो है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो देगी। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है। तो इस तरह से SN2 मैकेनिज्म का पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, अब आगे बच्चों हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, करेक्ट आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसमें हैलोजन लगे, हैलाइड हमें दे रखी है, उसका हमें आईयूपीएससी नेमिंग दे रखी है। अब इसमें हम कंसेप्ट क्या देखेंगे बच्चों, इसमें अल्काइल हैलाइड की पूरी आईयूपीएससी नेमिंग का कंसेप्ट हम समझेंगे, ताकि इस कंपाउंड को छोड़कर और कोई भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास आ जाए उसकी आईयूपीएससी नेमिंग हम कर पाए। हमारा मेन मोटिव तो यही है कि कोई भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करना है, ठीक है। इस एग्जांपल से हम पूरी आईयूपीएससी नेमिंग को समझते हैं, अल्काइल हैलाइड की किस तरह से करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं, जब हम आईयूपीएससी नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो पहली ही चीज हमें सबसे पहली चीज हम किसी भी कंपाउंड के
नेमिंग होती है उसमें क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो जब हम हैलाइड की, ये बच्चों बात ध्यान रखिएगा, जब हम हैलाइड की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं या सेलेक्ट करते हैं, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन लगी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हैलोजन लगी है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं उसमें वो हैलोजन इंक्लूड होनी चाहिए। उस हैलोजन को इंक्लूड करते हुए जो लॉन्गेस्ट चेन है पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हैलोजन मेरे पास ये है, इस हैलोजन, इस कार्बन को लेते हुए जो लॉन्गेस्ट चेन है, पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें देखनी, पहली चीज़ तो हमें देखनी है हैलोजन, हैलोजन उस चेन में आनी ही चाहिए, हैलोजन उस चीज़ चेन में आनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें वो आती है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वो भी हमें उस चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, सबसे पहले हैलोजन, हैलोजन को देखेंगे, हैलोजन उस कार्बन इसमें आनी चाहिए, प्लस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई डबल बॉन्ड है या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी उस चेन में इंक्लूड होगा, वो भी उस लॉन्गेस्ट चेन में हमें लेना पड़ेगा। तो अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अब मेरे पास क्लोरीन है, हैलोजन लगी है, ये मेरे पास डबल या ट्रिपल डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें डबल बॉन्ड भी आता हो और ये हैलोजन भी आता हो। अगर मैं इस वाली चेन को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे तो कार्बन तो सात आ रहे थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात कार्बन आ रहे थे, ठीक है, पर इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ से चेन ले रहा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो जब मैं इस वाली चेन को ले रहा हूँ तो मेरे पास कार्बन तो छः आ रहे हैं, बेशक कार्बन छः आ रहे हैं, पर दोनों मेरे पास डबल बॉन्ड भी और हैलोजन भी आ रही है, तो मुझे ये वाली चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन को हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को भी लेना है, हैलोजन होगी तो दोनों को लेना है, फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन दोनों को लेते हुए जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ आती है नंबरिंग, उस चेन की नंबरिंग कैसे करनी है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो नंबरिंग उधर से शुरू होगी जहां से हैलोजन को लोएस्ट नंबर मिलता हो, वहां से नंबरिंग शुरू होगी। पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया या डबल या ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो नंबरिंग वहां से शुरू होगी, चाहे कहीं पर कुछ भी लगा हो, फिर नंबरिंग वहीं से शुरू होगी जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, लोएस्ट नंबर यहां से मिल रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, एक दो तीन चार पाँच और छः, पांचवी पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड और तीसरी पोजीशन पे तीन कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप मेरे पास होता है प्रोपाइल, ठीक है। सिंपल बात होगी, तीसरी पांचवी पोजीशन में हम लोग को क्लोरो मिल गया, तीसरी पोजीशन प्रोपाइल मिल गया, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है। वर्ड रूट कार्बन कितने हैं, छः, कार्बन छः मतलब हेक्स वन इन, तो मेरे पास वर्ड रूट में आएगा ही, ठीक है। अब इस केस में बच्चों क्या होता है, अब इसकी नंबरिंग, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, एक चीज और एक्सेप्शन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक्सेप्शन ये रूल ही है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखा थ्री प्रोपाइल फाइव क्लोरो, यहाँ लिखा है फाइव क्लोरो थ्री प्रोपाइल, ठीक है। ऐसा क्यों, नेम पोजीशन तो वही है, तीसरी पोजीशन पर प्रोपाइल है, यहाँ भी तीसरी पोजीशन पर प्रोपाइल है, यहाँ पांचवी पोजीशन पर क्लोरो है, यहाँ भी पांचवी पोजीशन पर क्लोरो है, पोजीशन तो वही है, पर आगे पीछे क्यों लिखे हैं, लिखते हम नेमिंग इस तरह से हैं, जो अल्फाबेटिकली ग्रुप पहले है, उसको पहले लिखेंगे, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, तो क्लोरीन का सी और प्रोपाइल का पी, अल्फाबेटिकली सी पहले आ रहा है तो सी को हम पहले लिखते हैं। तो पांचवी पोजीशन पे क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल, हेक्स वन इन, इसका आईयूपीएसी नेमिंग, इसका फोर्थ डी इसका आंसर आ गया। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नेमिंग का आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, यही रूल लगेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक बात क्लियर, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, आ गया क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन मेरे पास क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज, इन हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर या इनका ऑर्डर क्या है, जो अल्काइल हैलाइड है उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है वो हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब जब बात बॉइलिंग पॉइंट की आ गई है, तो बॉइलिंग पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें इसे बात करनी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी या बॉइलिंग पॉइंट की जो एक कंसेप्ट है उसके बारे में हमें एक चीज़ बच्चों हमेशा पता होनी चाहिए, जो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, ये लॉजिक आपको पता है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अल्काइल हैलाइड का नहीं, किसी भी और ऑर्गेनिक ग्रुप का, किसी और ऑर्गेनिक क्लास का कोई भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आएगा, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो साइज है, जितना उसका साइज होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो साइज है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ती हैं, उन मॉलिक्यूल्स में वैंडरवॉल ऑफ फोर्सेस बढ़ती हैं। मतलब क्या है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, उनके आपस के बीच में वैंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्शन बढ़ेंगी, मतलब वो एक दूसरे को और अट्रैक्ट करके आपस में जोड़ के रखते हैं। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के ज़्यादा रखता है, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन साइज डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा साइज मॉलिक्यूल का होगा, जितना मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा, उतना वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके अपने पास रख सकता है, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। तो उससे क्या होगा, साइज ज़्यादा होने से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल आसपास पास रहेंगे, आपस में पास रहेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा है उनमें, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, उनको बॉयल करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा साइज उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास में, और तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या, बॉयलिंग पॉइंट उनका उतना ही ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा टेम्परेचर पर उनको हीट करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो मतलब क्या हुआ नटशेल में, जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें याद रखना है हमेशा, जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, किसी मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये कंसेप्ट अल्काइल हैलाइड को लेके ही नहीं है, कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप में आप ये कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर इन क्वेश्चन में देखें, इन क्वेश्चन में क्या है, जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, प्रोपाइल ग्रुप ही तीनों जगह पे लगा है, तीनों जगह पे प्रोपाइल ग्रुप ही लगा है, C3H7 ही लगा हुआ है, कांस्टेंट है, C3H7 ही प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। चेंज कहाँ पे आया हुआ है, चेंज कहाँ पे है बच्चों, चेंज कहाँ पे आया हुआ है, चेंज है मेरा हैलाइड पे, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन। तो अब अगर मुझे इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, C3H7 तो कॉमन है, उसमें साइज बड़ा छोटा तो हो नहीं सकता, C3H7 तो कॉमन रहेगा, पर जो हैलाइड है वो अलग अलग लगी हुई है। तो अगर अब इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैं कंपेयर करना चाहूँ साइज से, तो किसके साइज को मैं देखूंगा, हैलोजन के साइज को, कौन कौन से हैलोजन लगे हुए हैं, तो मेरे पास है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब मुझे पता है जब पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो नीचे की तरफ जाने से साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे की तरफ जाने पे इंक्रीज होगा, अगर अल्काइल ग्रुप सेम लगा है, अगर अल्काइल ग्रुप सेम लगा है तो नीचे की तरफ जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मेरा आंसर आ गया, सबसे बड़ा आयोडीन, आयोडीन कहाँ लगा, यहाँ पे, सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट नंबर 4 का, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 का ब्रोमीन, नंबर 2 का, उसके बाद नंबर 3, और सबसे लास्ट में नंबर 1। तो मेरे पास आंसर आ गया सी, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा अगर घुमा के कुछ और इस तरीके से पूछ लिया जाए बच्चों, कि अगर सपोज मैं हैलोजन सेम रखता हूँ पर मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ तो भी मेरे पास आंसर वही रहेगा, मेरे पास आंसर वैसे ही जाएगा। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वाला पोर्शन मेरे पास कांस्टेंट है, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, तो मुझे साइज किसका देखना है, जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मतलब C5H11Cl, मतलब पेंटाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्रोपाइल क्लोराइड से ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन, चलिए बच्चों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या पूछ रहा है, इन द गिवन रिएक्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। मतलब क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन में जो अल्कोहल है और एसिड है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों इन क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इसके कंसेप्ट पे जाना होगा, इसका कंसेप्ट क्या होगा। इस रिएक्शन के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है RX, अल्काइल हैलाइड का सबसे कॉमन मेथड है प्रिपरेशन का, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
अब इस रिएक्शन को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें इस रिएक्शन के पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसके पूरे कंसेप्ट को समझते, इसका मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझते, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको रिएक्शन आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। और बच्चों यहाँ पर मैं एक बात आपको और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैं खुद लेके आया हूँ, खुद बना के आपके सामने लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो 10 क्वेश्चन मैंने बनाए, 10 क्वेश्चन से पूरी अल्काइल और पूरी अराइल हैलाइड के जो भी कंसेप्ट हैं वो आपको पूरे के पूरे समझ आ जाए, पूरे के पूरे रिवाइज हो जाए, कोई भी कंसेप्ट छूटे ना, और इनसे अब चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसको इजीली आंसर कर पाए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करो बच्चों, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। चलिए तो बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। अब बच्चों मेरे पास है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का क्या हुआ, ROH अल्कोहल, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास है अल्कोहल ROH, रिएक्शन हुई H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, अब H पॉजिटिव जो है इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन पॉजिटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो उसको अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है खाली पड़ा है वहां से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पॉजिटिव का काम क्या है, नेगेटिव को खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाइड्रोजन के H पॉजिटिव पे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाइड्रोजन पे। तो मेरे पास क्या बनेगा, समझिए, RO, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ी, ये वाली हाइड्रोजन जुड़ गई यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसने ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब बॉन्ड तो बन गया, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक बात सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब कोई भी एटम है उसको न्यूट्रलिटी चाहिए, चार्ज तो ज़्यादा देर तक अपने पास रख नहीं सकता, पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव खत्म करना है, नेगेटिव चार्ज उसको नेगेटिव खत्म करना है। तो पॉजिटिव चार्ज अपना कैसे खत्म करता है, इलेक्ट्रॉन लेके, पॉजिटिव को जब न्यूट्रल होना उसको इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज खत्म करना है। तो अब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, आर और ओ के बीच का जो बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन का शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन आर का शेयर हुआ है। जब इसको न्यूट्रलिटी खत्म करनी है तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये R वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास। तो क्या बचेगा मेरे पास R का, सिर्फ R बचेगा, इलेक्ट्रॉन लेके तो चला गया H2O, इलेक्ट्रॉन लेके तो चला गया, बचा क्या R पॉजिटिव। अब ये R पॉजिटिव क्या है बच्चों, यही मेन मुद्दा है हमारा, हमारे इस आंसर को सॉल्व करने का एक मेन मुद्दा यही है। ये क्या है मेरे पास है ये कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन का काम क्या होता है हमें पता है, कार्बोकैटायन जो है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे पता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे कम मिथाइल कार्बोकैटायन, ये उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। अब जब इस रिएक्शन से अल्कोहल से शुरू होकर जब ये कार्बोकैटायन बना है, तो इसका मतलब क्या है, जितना जो कार्बोकैटायन बन रहा है, जितना जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन, उतना ज़्यादा आगे जाएगा रिएक्शन, उतना इजीली फॉरवर्ड पुश होगा, जितना इजीली कार्बोकैटायन बना रिएक्शन उतना इजीली जाएगा। मतलब इस अल्कोहल से जो कार्बोकैटायन जितना इजीली बनेगा, उतना इजीली रिएक्शन जाएगा, ठीक है। और मुझे कार्बोकैटायन का पता है कि टर्शियरी सबसे इजीली बनता है, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे इजीली किससे बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल से। ये मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल से ही तो टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा, टर्शियरी वाला, तो टर्शियरी उसका, इनका अल्कोहल का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, यही ऑर्डर आएगा, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना रहा है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे कम मिथाइल का कार्बोकैटायन बनेगा। अगर मिथाइल का कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। हमें क्या कह रहा है कि जी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आता है, सबसे पहले टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे जो एसिड यूज़ हो रखे हैं उनका भी तो ऑर्डर बताना है, तो जब एसिड यूज़ हो रहे हैं बच्चों, एसिड का काम क्या है, यहाँ पे H पॉजिटिव,
एच पॉजिटिव ने रिएक्ट किया ओ एच के साथ। एच पॉजिटिव से ही तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, एच पॉजिटिव से ही तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। मतलब क्या है मेरे पास, कि मेरे पास मतलब ये है कि जो एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव ने ही रिएक्शन स्टार्ट किया है। अब एच पॉजिटिव हमें कहाँ से मिला है, एच पॉजिटिव मिले मुझे मिला है एच एक्स से, एच एक्स से ही तो एच पॉजिटिव मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एच एक्स जो एसिड इजिली एच पॉजिटिव दे सकता है, जो एसिड इजिली एच पॉजिटिव दे सकता है, वो रिएक्शन को उतना फास्ट करेगा, रिएक्शन को उतना ईजिली करवाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, मेरे को एच एक्स का बॉन्ड जो इजिली तोड़ सकता है, जिस एच एक्स का बॉन्ड इजिली टूट सकता है, वो रिएक्शन ज़्यादा ईजिली देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरे पास X की जगह है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बचे, इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि सपोज एक कोई भी हलाइड है, ठीक है। अब जैसे जैसे उसका न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जो एच है, जो एच उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, वैसे 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 हाइड्रोजन उससे दूर जाती जाएगी, उस हैलोजन से हाइड्रोजन दूर होती जाएगी। तो उस जो उसका न्यूक्लियस है, जो उसका न्यूक्लियस है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। जितना एच दूर जाता जा रहा है, जितना एच दूर जाता जा रहा, उतना उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो मतलब क्या है, जितना साइज बढ़ रहा है उतना एच एक्स का बॉन्ड वीक होता जा रहा है, उतना एच एक्स का बॉन्ड वीक होता जा रहा है, उतना इजिली एच एक्स का बॉन्ड टूट सकता है, उतना इजिली एच पॉजिटिव बन सकता है। मतलब जो बड़ी हैलाइड होगी, जो एच आई है, बड़ी हैलाइड है, वो इजिली टूट सकती है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होगा, आयोडीन का साइज बड़ा होगा एच से, एच और आई, एच उसको होल्ड कर, आई का न्यूक्लियस जो है एच को इजिली होल्ड नहीं कर पाएगा, तो एच आई जो है इजिली ब्रेक होगा। तो एच आई इजिली ब्रेक होगा तो सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा, एच आई सबसे रिएक्टिव, एच आई उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आयोडीन। तो ये मेरे पास सी आ गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब ये हो गए हमारे चार क्वेश्चन, अब आते हैं अपने पांचों, अब आगे अपने हम पांचवे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉलोइंग एराइल हैलाइड इज, हमारे पास ये तीन एराइल हैलाइड दे रखी हैं, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। एराइल हैलाइड हमें तीन एराइल हैलाइड दे रखी हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड दे रखी है हमें, और हमें पूछा हुआ है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन से रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये दें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें डरना नहीं है या कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है, कंसेप्ट अगर हम इजीली समझे हुए हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है बच्चों, हमें एराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है एराइल हैलाइड के अंदर, ठीक है। उसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करना है एराइल हैलाइड से हैलोजन को, ठीक है। ये बात है मेरे पास, सपोज समझने की कोशिश करते हैं इसको, मेरे पास ये एराइल हैलाइड है, मेरे पास ये एराइल हैलाइड है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब क्या होना है, मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है हैलाइड के ऊपर और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है, न्यूक्लियोफाइल ने इसको हैलोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब समझिएगा इस रिएक्शन को, बेसिक से समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बॉन्ड में हमेशा हमें ध्यान रखते हैं, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है एक्स वाई जेड, एग्जाम्पल से अगर मैं और इजिली समझाऊँ, सपोज ओ एच नेगेटिव है, ओ एच नेगेटिव है, ओ नेगेटिव एच, ठीक है। अब क्या होगा, ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, उसको न्यूक्लियस लविंग होता है, उसको न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियोफाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। जब इसने अटैक किया इस कार्बन पे, इसने अटैक किया इस कार्बन पे, तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, समझिएगा इस चीज को, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा ओ एच, और इसके बीच में एक्स लगा है मेरे पास एज इट इज, ठीक है। इसके और इसके बीच में बनेगा बॉन्ड। अब बॉन्ड, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एक तो ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन था और एक ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन लग गया इसके ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर क्या हुआ फिर, इस कार्बन के ऊपर क्या हुआ, इस कार्बन के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, अब क्योंकि इसने तो जो अपनी वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां से ले लिया हुआ है, इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे,
अब इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अब इसको भी न्यूट्रलिटी चाहिए, हर किसी को न्यूट्रलिटी चाहिए होती है, तो क्या करेगा ये एक्स्ट्रा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक न्यूट्रल, एक एक्स्ट्रा है और एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इस कार्बन पे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इस कार्बन पे। सिमिलरली जो इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन बनेगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन वापस जाएगा, एक्स निकलेगा बाहर और मेरे पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मेरा पर्पस क्या था, एक्स नेगेटिव निकालने का बाहर का मतलब क्या था, मुझे एक चीज देखनी है कि ये जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इन कार्बन पे एक्स्ट्रा थे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, मतलब नेगेटिव चार्ज भर भर के पड़ा हुआ था। तो अब रिएक्टिविटी या कोई भी मॉलिक्यूल जो एराइल हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से देगा, अगर इस नेगेटिव चार्ज को कोई स्टेबल कर सकता है तो स्टेबल क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए, इन ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो उसको स्टेबल करेंगे, वो इसको स्टेबल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अपनी तरफ खींचने से उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसका कम होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबल करेंगे, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वो बढ़ाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। अब इन तीन में से अगर मैं देखूं तो इसमें से ऑर्थो पोजीशन पे यहां तो कुछ भी नहीं लगा, पैरा पे कुछ नहीं लगा, यहां पे पैरा पे कुछ नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा है और NH2 ग्रुप लगा है, नाइट्रो लगा है और NH2 ग्रुप लगा है, नाइट्रो मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा फेवर कौन सा करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, नंबर दो नाइट्रो ग्रुप, नंबर दो नाइट्रो ग्रुप, और उसके बाद NH2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NH2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेटिंग का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी कम कर रहा है, स्टेबिलिटी कम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उस पर पुश किया जा रहा है, तो नंबर सबसे कम स्टेबल, सबसे कम फेवर कौन सा करेगा, NH2 सबसे कम फेवर कौन सा करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, NH2 वाला सबसे कम फेवर वाला कौन सा होगा, मेरा नंबर तीन वाला और बीच में नंबर एक, तो मेरा आंसर क्या आ गया, बी, बी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, अब आप हम आ गए अपने छठे क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ एन एराइल हैलाइड विद एन अल्काइल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड का रिएक्शन मैंने करवाया अल्काइल हैलाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, मतलब क्या कह रहा है, एक एराइल हैलाइड ली है मैंने, एक मैंने अल्काइल हैलाइड ली है मैंने, उनका रिएक्शन करवाया है सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हुआ सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। अब सारे के सारे हमें नेम रिएक्शन दे रखे हैं, सारे के सारे हमें नेम रिएक्शन दे रखे हैं, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें सारे नेम रिएक्शन का पता होना चाहिए, कौन कौन से नेम रिएक्शन है, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो चीज़ें हमें रिवाइज कर लेंगे और कंसेप्ट, फिर चाहे हमें कोई और पूछा हो इससे मिलते तो किसी और नेम रिएक्शन का भी पूछा हो, क्योंकि बेसिकली ये चार इंपॉर्टेंट मेन चार ही नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो हमारे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के चैप्टर में आते हैं, ये चार मेन रिएक्शन ही हैं अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के चैप्टर में, ठीक है। बारी बारी बात करते हैं, वुड्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के जब हम लेते हैं सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, और हमें मिलती है एल्केन, हमें मिलती है एल्केन, उस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन भी नहीं हो सकता। फिटिग रिएक्शन मेरे पास क्या कहता है, फिटिग रिएक्शन मेरे पास कहता है कि दो एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल, दो एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल सेम कंडीशंस में हमें देते हैं डाइफिनाइल कंपाउंड, ठीक है, डाइफिनाइल कंपाउंड, ये मेरे पास आ गया फिटिग रिएक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या कहता है, आधा वुड्स आधा फिटिंग, मतलब एक एराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड जब सेम कंडीशन में सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलती है अल्काइल अरीन, अल्काइल अरीन, ये हमारा आंसर है, सी हमारा आंसर है, आंसर तो हमें पता चल गया, सी हमारा
आंसर है। और सैंडमेयर्स रिएक्शन मेरे पास क्या होता है बच्चों, सैंडमेयर्स रिएक्शन मेरे पास कहता है कि एनिलीन एलिनीन एनिलीन एनिलीन के जब मैं रिएक्शन करवाऊँ पहले सोडियम नाइट्राइट की साथ NaNO2 और HX एसिड के साथ, तो मुझे पहले मिलता है डाई एजो सॉल्ट पहले मुझे मिलता है डाई एजो सॉल्ट, और जब इस डाई एजो सॉल्ट को मैं रिएक्ट करवाऊँ CuX और HX की प्रेजेंस में तो मुझे मिलती है एराइल हलाइड ARX। तो ये है मेरे पास सैंडमेयर रिएक्शन। ये चार ही नेम रिएक्शंस हैं अल्काइल हलाइड में और एराइल हलाइड के पूरे चैप्टर में, ये चार मेन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये चार रिएक्शन हमने पूरे डिटेल में भी डिस्कस किए हुए हैं और यहाँ पे इनकी मेन मेन रिएक्शन किस तरह से होते हैं ये आगे। अब चाहे हमें वुड्स रिएक्शन क्वेश्चन पूछ लें, वुड्स फिटिंग पूछ लें, सैंडमेयर पूछ लें, तो हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर सातवें पे। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर, मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन फेवर कर रही है, क्या फेवर कर रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर कर रही है इन एराइल हलाइड, मतलब एराइल हलाइड के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एराइल हलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहे हैं, उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन कौन सी कंडीशन है इनमें से जो फेवर करती हैं, इनमें से कौन कौन सी जो कंडीशन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर कर रही हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं एराइल हैलाइड के अंदर उनके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अगर वो कंसेप्ट और बेसिक हमें अच्छे से पता है तो हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसके कंसेप्ट की बात करते हैं बच्चों। अब सपोज जो कोई भी हलाइड है, चाहे अल्काइल हलाइड है चाहे एराइल हलाइड है, उसके पास CX का बॉन्ड होगा और CX के बॉन्ड पे किसने अटैक करना है, एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, समझिएगा इस चीज़ को, न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, कहाँ अट्रैक्ट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तभी तो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब नॉर्मल अल्काइल हलाइड के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, मतलब एक्स जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं, एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है जब उनकी मूवमेंट एक्स की तरफ होगी, क्यों, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ पॉजिटिव की चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो अल्काइल हैलाइड में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से होती है, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में मेन डिफरेंस क्या है, जो अल्काइल हैलाइड होती है RX, जो अल्काइल हैलाइड होती है उसका कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, पर जो मेरे पास एराइल हैलाइड है, उसका जो कार्बन है वो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 और अल्काइल हैलाइड की कौन सी होती है sp3। अब इसमें एक डिफरेंस आ गया, दोनों कार्बन में एक डिफरेंस आ गया, एक sp3 का है, एक sp2 का है, एराइल वाला sp2 का है, अल्काइल वाला sp3 का है। अब मुझे पता है जो sp3 का कार्बन है उसमें s करेक्टर कम है, sp2 में s करेक्टर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3, मतलब क्या है, sp2 कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब अब क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे बना था, एक्स ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे थे, पर अब इस केस में क्या हुआ, जब sp3 की जगह sp2 हो गया तो sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन को इतना ईजिली खींचने नहीं देगा, इतना पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं आएगा इन द एराइल हैलाइड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो न्यूक्लियोफाइल को इतना इजीली अटैक होना इजी नहीं है, उसके लिए अटैक करना मुश्किल है, तो पहली कंडीशन तो होगी गलत हमारी,
गलत होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन, प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन। अब मेरे पास ये एराइल हैलाइड है बच्चों, मेरे पास ये आर हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, ठीक है। अब समझिए इस चीज में, एराइल हैलाइड में अगर हेलोजन लगा है वो पॉजिटिव प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट से क्या होगा, जो हेलोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हेलोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पे जाएंगे, रिंग पे जाएंगे, रिंग पे जाने से क्या होगा, उसमें आएंगी रेजोनेंस और मेरे पास बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब जब ये प्लस, इसकी प्लस आर इफेक्ट की वजह से जब इसने एक्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन ने अपने रिंग पे छोड़े, जब रिंग पे उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो जो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें से तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सी और एक्स का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करैक्टर है, सी और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर है। तो मुझे पता है सी डबल, जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। तो सी एक्स को अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना ही मुश्किल होगा, तो सेकंड कंडीशन भी गलत। तो इसे फोर्थ कंडीशन ऑल ऑफ अबव तो हो नहीं सकता, तो तीन तो मेरे आंसर गलत, ठीक है। और जो तीसरा आंसर है वो सही है, और ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको स्टेबलाइज करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा स्टेबल करता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या चीज़ फेवर करती है। इस सारी चीज़ों से हमें क्या समझ आया, एराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करने वाली चीज है सिर्फ एक ही चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगे हो उस एराइल हैलाइड के। ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलिए बच्चों आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, हमें एक रिएक्शन दे रखा है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन दे रखा है, OH हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, SN1 हमें बता रखा है, SN1 मैकेनिज्म से जा रहा है, उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से हमें डरेंगे नहीं, पहली बात क्या करना है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, कंसेप्ट पे अगर भरोसा है, कंसेप्ट पे भरोसा है तो हम इजीली इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है बच्चों SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की, किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें SN1 मैकेनिज्म का कंसेप्ट पता होना चाहिए, SN1 मैकेनिज्म का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो SN1 का मैकेनिज्म हमें क्या कह रहा है, जैसे मैंने SN2 में बात की थी, S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, 2 बायोमोलिक्यूलर, यहाँ पे क्या है, 1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर से हमारा मतलब क्या है कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ यूनिमोलिक्यूलर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और वो है अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है SN1 रिएक्शन के अंदर। SN2 में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती थी, तो वहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों, तो इसलिए इसको हम SN2 कहते थे। यहाँ पे सिर्फ हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इसलिए इसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब ये रिएक्शन जाता किस तरह से, रिएक्शन चलता किस तरह से, हमें पता है ये रिएक्शन जाता है दो स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, Rx से टूट के मेरे पास बनता है R पॉजिटिव बनता है कार्बोकैटायन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है R पॉजिटिव पे और मेरे पास बनता है प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब यही चीज़ हमने इस रिएक्शन पे लगानी है, मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट CN, रिएक्टेंट मेरे पास यही है। तो पहला स्टेप क्या होगा SN1 मैकेनिज्म में, पहला स्टेप होगा कार्बोकैटायन की जनरेशन, मतलब X नेगेटिव निकलेगा बाहर, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बनगी बच्चों ये कार्बोकैटायन, ठीक है। अब मेरे पास बनगी ये कार्बोकैटायन बनगी, X नेगेटिव बाहर निकला, पहला स्टेप हो गया, कार्बोकैटायन बनगी, ठीक है। पर इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, हमें एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जो कार्बोकैटायन बनी है, जो कार्बोकैटायन बनी, यहाँ पे कौन सी कार्बोकैटायन बनी है, ये कार्बोकैटायन बनी है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एक ये कार्बन है, इस तरफ कार्बन जुड़ा है, एक तरफ कार्बन जुड़ा है, दो जगह कार्बन जुड़ा, तो बनी है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के पास मौका है और स्टेबल कार्बोकैटायन बने, कोई भी
यूनिवर्स, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। तो इसको भी स्टेबिलिटी की तरफ भागना है। इसके पास मौका है सेकेंडरी से टर्शरी बनने का। वो किस तरह से? अगर ये मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाए, मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे चला जाए, ठीक है, अगर ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर इसके पास चला जाए तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगी ये कार्बोकैटायन। वन टू मिथाइल शिफ्ट होने से मिथाइल इलेक्ट्रॉन के साथ जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया तो ये कार्बोकैटायन बन गई मेरे पास टर्शरी कार्बोकैटायन। ये ज़्यादा स्टेबल होती है तो सेकेंडरी से टर्शरी बनेगी, ज़्यादा स्टेबल तो वो बनेगा ही बनेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो ये रीअरेंजमेंट करेगा ही करेगा, सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगा। टर्शरी में जाने के बाद इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो लास्ट स्टेप तो सिंपल है, अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है OH इस पे अटैक करेगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और मेरे पास आएगा ये प्रोडक्ट मेजर। अब मुझे सिर्फ ये आंसर में ढूंढना है, कार्बन के साथ लगा है OH, कार्बन के साथ लगा है OH, दो लगे हैं CH3, दो लगे हैं CH3, आगे CH2 CH के साथ लगे हैं दो CH3, तो मेरा आंसर आ गया सी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? SN1 से क्या कार्बोकैटायन बनी, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट क्यों हुई, सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकैटायन बननी थी इसलिए रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनी उसके साथ न्यूक्लियोफाइल लग गया और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये हो गए बच्चों हमारे 8 क्वेश्चन। यहां तक लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा, हमें एक रिएक्शन दे रखे हैं। रिएक्शन के अंदर एक रिएजेंट है ए, वो हमसे पूछा हुआ है वो क्या है, ठीक है। हमें बताया कि एनिलीन से पहले हमें डाई एजो सॉल्ट मिला, हमें बताया हुआ है एनिलीन है मेरे पास, एनिलीन की जब रिएक्शन ए और HX की प्रेजेंस में करवाई तो मुझे एक डाई एजो सॉल्ट मिला, डाई एजो से मुझे जब मैं रिएक्शन करवाया तो मुझे मिली हमारी एराइल हैलाइड। मतलब अब ये रिएक्शन जो है एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन का है। जब भी कोई बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन होता है या कोई नेम रिएक्शन होता है, ये हमें पता है। तो ये कौन सा नेम रिएक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास नेम रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन का बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, प्रिपरेशन का सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। सैंडमेयर्स रिएक्शन हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है, पूरे मैकेनिज्म के साथ, पूरे उसके रिएक्शन कंडीशंस के साथ, पूरे मैकेनिज्म के साथ हमने डिस्कस किया हुआ। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, लिंक के साथ आप उसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है पहली कंडीशन में एनिलीन के साथ हम डाई एजो सॉल्ट बनाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट की जब रिएक्शन करवाएं HX एसिड की प्रेजेंस में तो हमें डाई एजो सॉल्ट मिलता है और वो डाई एजो सॉल्ट फर्दर रिएक्ट करता है CuX के साथ और हमारी एराइल हैलाइड मिलती है, ये रिएक्शन है। तो इसमें हमारा आंसर आ गया बी, ए और सी डी तो हमारे पास है नहीं, बी हमारे पास सोडियम नाइट्राइट से हम डाई एजो सॉल्ट पहले बनाते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम अपने 10वें क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस, आखिरी और 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द प्रेफरेबल पोजिशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड इज, द प्रेफरेबल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड इज, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, एक एराइल हैलाइड है उसमें हमने क्या करवानी है, उसमें हमने करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सी पोजीशन सबसे प्रेफरेबल होंगी, वो हमसे पूछी हुई है। तो अगर उसको समझने के लिए बच्चों आइए थोड़ा सा इसके बेसिक को समझते हैं, जो एराइल हैलाइड होती है उसके बेसिक को समझते हैं, वो किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ दे सकता है, कहाँ कहाँ नहीं दे सकता, उसके बारे में बात करते हैं। अब मेरे पास है ये एराइल हैलाइड, एक हैलोजन लगी है, हैलोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मुझे पता ही देता है प्लस आर इफेक्ट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है रिंग के ऊपर। तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े रिंग के ऊपर, ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस आएगी। अब इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़े, यहाँ पे मेरे पास पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और मेरे पास आ गया ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सिमिलरली रेजोनेंस चलते हुए ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं एराइल हैलाइड के, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। अब इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब इनमें रेजोनेंस हो रही है बच्चों, जब रेजोनेंस हो रही है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन इस प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन कार्बन पर छोड़े थे तो वहाँ से क्या हुआ,
जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्यों उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस रिंग के अंदर जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे वहीं तो अटैक करेगा, तो इस रिंग में उसको कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन जो है उसकी वो एज इट इज़ है, मेटा पोजीशन कहाँ होती है, जो इसकी मेटा पोजीशन है उस पे वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई नहीं, ना कम हुए ना ज़्यादा हुए। पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रेफरेबल पोजीशन है ऑर्थो और पैरा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑर्थो और पैरा, बी मेरा आंसर। तो यहाँ तक बच्चों ये 10 क्वेश्चन थे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के, और इस पूरे 10 क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं आपके, पूरे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है मैंने अल्काइल एराइल हैलाइड की। अब भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों, पूरी कोशिश करूँगा मैं उनको सॉल्व करने की।